Hello everyone, today we are going to talk about gas turbine cycle. A gas turbine cycle is a power generating cycle. That means it generates power. Heat energy mechanical energy में convert होती है और work produce हो जाता है, power produce हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको वो क्या बोल रहे हैं, power generating cycle बोल रहे हैं। तो gas turbine cycle क्या हो गई, एक power generating cycle हो गई जिसमें कि heat energy of the fuel gets converted into the mechanical energy and the work is produced, ठीक है। अब जैसा कि इसका नाम बता रहा है gas turbine cycle, तो इसके अंदर जो important part है, ठीक है, जिससे हम work produce कराएंगे वो कौन सा, क्या होता है, gas turbine होता है। gas turbine is as similar as the other turbines, it is also a expansion device, but द वर्किंग मीडियम इन गैस टर्बाइन इज अ गैस, ठीक है। वो एयर भी हो सकती है या कोई अदर हमारे पास जो भी वर्किंग मीडियम गैस से गैसियस फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, हम वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस गैस टर्बाइन का, ठीक है, वो ये कि इसके अंदर फेस चेंज इन्वॉल्व नहीं होता, जैसा कि हमने वेपर पावर साइकिल्स या रैंकाइन साइकिल के अंदर देखा था, ठीक है, वहाँ पे फेस चेंज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वहाँ पे स्टीम लिक्विड में और लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट होती है, तो वहाँ पे हम ये बोलते हैं कि इट इज़ अ फेस चेंज साइकिल। तो लेकिन गैस टर्बाइन के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई भी फेस चेंज इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। फेस चेंज इन्वॉल्व नहीं होने की वजह से हमें मास फ्लो रेट ज़्यादा हैंडल करना पड़ता है, ठीक है, इन गैस टर्बाइन साइकिल्स एज कम्पेयर टू द वेपर पावर साइकिल्स, क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट जो होती है फ्यूल की वो इन्वॉल्व नहीं है। जितनी भी हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है वो सिर्फ सेंसिबल हीटिंग की फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मास फ्लो रेट जो होता है वो ज़्यादा हैंडल करना पड़ता है। नाउ गैस टर्बाइन के अलावा जो हमारे पास अदर पार्ट्स होते हैं गैस टर्बाइन साइकिल के अंदर, वो होते हैं एक कंप्रेसर और दूसरा कंबशन चैम्बर, राइट। कंप्रेसर क्या काम करता है, कंप्रेसर एयर के टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, ये उसे एयर को कंप्रेस करेगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें ज़्यादा मास फ्लो रेट हैंडल करना होता है, तो वी जनरली यूज द एक्सियल फ्लो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स, ठीक है, फॉर द गैस टर्बाइन साइकिल। तो और थर्ड पार्ट इज योर कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर इज यूज फॉर हीटिंग पर्पस, ठीक है, ये टेम्परेचर इंक्रीज करने के काम आता है। अब यहाँ पे दो तरीके से हीटिंग हो सकती है, एक डायरेक्ट हीटिंग और दूसरी इनडायरेक्ट हीटिंग। अगर हम डायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं तो वी नीड अ फर्नेस, ठीक है, और अगर हम इनडायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें हीट एक्सचेंजर चाहिए। इनडायरेक्ट हीटिंग का मतलब ये हुआ कि इस साइकिल के अंदर कंबशन चैम्बर नहीं होगा, वो हीटिंग कहीं और बाहर होगी, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ उसकी हीट को एक्सचेंज किया जाएगा। तो दैट इज व्हाई वी नीड अ हीट एक्सचेंजर हेयर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ गैस टर्बाइन साइकिल। इट इज अ पावर जनरेटिंग साइकिल इन विच वर्क इज प्रोड्यूस्ड। इट कंप्राइजेज ऑफ गैस टर्बाइन, कंप्रेसर एंड कंबशन चैम्बर्स मेनली। गैस टर्बाइन इज अ एक्सपेंशन डिवाइस, ठीक है, इन विच अ वर्किंग मीडियम इज गैस एंड देर इज नो फेस चेंज इन्वॉल्व। द मास फ्लो रेट इज मोर इन दिस गैस टर्बाइन साइकिल्स। एक्सियल फ्लो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स आर यूज विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द एयर, एंड द कंबशन चैम्बर इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर फॉर द हीटिंग पर्पज, ठीक है, इन विच देर आर टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ साइकिल वी आर यूजिंग। मे बी इट मे बी अ डायरेक्ट हीटिंग कंबशन चैम्बर और अ इनडायरेक्ट हीटिंग कंबशन चैम्बर। इफ इट इज डायरेक्ट हीटिंग वी नीड अ फर्नेस, एंड इफ इट्स इनडायरेक्ट हीटिंग वी नीड अ हीट एक्सचेंजर। तो दिस इज ऑल अबाउट द गैस टर्बाइन साइकिल। नाउ गैस टर्बाइन साइकिल इज ऑफ टू टाइप, वन इज अ ओपन साइकिल गैस टर्बाइन एंड अदर इज अ क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन। पहले हम बात करते हैं ओपन साइकिल गैस टर्बाइन की। ओपन साइकिल गैस टर्बाइन के अंदर एक कंप्रेसर होता है, ठीक है, इस कंप्रेसर में एयर इनटेक होता है, ये एयर यहाँ पे कंप्रेस एयर को इन होगी यहाँ पे, ठीक है, और कंप्रेसर उसे कंप्रेस कर देगा टू अ हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर, ठीक है। जब ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जब एयर कंबशन चैम्बर के अंदर जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्यूल इंजेक्ट किया जाएगा। तो ये कंबशन चैम्बर है, ठीक है, या हमारे पास इसको हम बोलते हैं कि ये डायरेक्ट हीटिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इस कंबशन चैम्बर में एक हाई टेम्परेचर
की एयर आई, ठीक है, फ्यूल इंजेक्ट हुआ तो वो उस टेम्परेचर की वजह से, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ एयर, ठीक है, वो फ्यूल इग्नाइट हो जाएगा और वहाँ पे बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हीटिंग शुरू हो चुकी है और वो एग्जॉस्ट गैसेज और एयर दोनों मिलके हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे आती हैं और टर्बाइन में एक्सपेंड होंगी, ठीक है, और यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस होगा। तो वी गेट डब्ल्यू टी, लेट से आउटपुट ये हमें मिल जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू टी दैट मीन्स द वर्क ऑफ टर्बाइन, ठीक है, और जो भी हमारे पास एग्जॉस्ट होगी वो हम उसे एटमोसफेयर में यहाँ से बाहर में डिस्चार्ज कर देंगे, राइट। तो क्या हुआ यहाँ पे कि हमें एटमोसफेयर से हमने एयर को लिया, उसे कंप्रेस किया टू अ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, फिर उसके बाद उसे कंबशन चैम्बर में से फ्लो कराया। कंबशन चैम्बर में हमने फ्यूल को इंजेक्ट किया तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे फ्यूल वो इग्नाइट हो गया बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ द एयर, और उसके बाद हमने उसको एक्सपेंशन से वर्क आउटपुट मिला इन अ गैस टर्बाइन, ठीक है, और बाद में जो भी एग्जॉस्ट गैसेस थी उन्हें हमने डिस्चार्ज कर दिया टू द एटमॉस्फेयर, एज बिकॉज वी आर टेकिंग अ फ्रेश चार्ज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड डिस्चार्जिंग एग्जॉस्ट गैसेस टू द एटमॉस्फेयर ओनली, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या, ये साइकिल क्या कहलाती है, एक ओपन साइकिल कहलाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि ये जो कंप्रेसर होता है और जो टर्बाइन होती है, ठीक है, ये दोनों ही एक ही शाफ्ट पे होती हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही शाफ्ट पे होती हैं, जो टरबाइन ही का जो वर्क आउटपुट होगा वो ही कंप्रेसर को चलाने के लिए भी काम आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लेट से डब्ल्यू सी इज द वर्क जो कि कंप्रेसर को देना पड़ता है टू रन द कंप्रेसर, ठीक है, तो जो हमारे पास नेट आउटपुट होता है इन एनी केस, ठीक है, चाहे वो अभी हम ओपन साइकिल की बात कर रहे हैं चाहे हम यहाँ पे, ठीक है, या हम क्लोज साइकिल की बात करेंगे तब भी, तो वो हमारे पास डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी ही होता है। अ गुड अमाउंट ऑफ वर्क इज कंज्यूम्ड टू रन द कंप्रेसर फ्रॉम द टर्बाइन वर्क, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द ओपन साइकिल गैस टर्बाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन। इन क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन थ्री पार्ट्स, दैट मीन्स अ कंप्रेसर, अ कंबशन चैम्बर, अ टर्बाइन इज सिमिलर एज इन द ओपन साइकिल, बट वी नीड अ वन एक्स्ट्रा पार्ट दैट इज अ हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ पे एक ऐसा वर्किंग मीडियम इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, जो कि रिपीटेडली यूज हो सके, ठीक है। तो जैसे कि हमने एयर से, लेट से कि हम एयर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, तो हमने एयर को इन कराया, इनलेट किया कंप्रेसर में, ठीक है, एयर को कंप्रेसर में डाला, इसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे इसने कंप्रेस कर दिया, ठीक है, देन इट विल गो टू द कंबशन चैम्बर जहां पे इनडायरेक्ट हीटिंग होगी, ठीक है, यहां पे अब कंबशन नहीं होगा, वहां पे इनडायरेक्ट हीटिंग होगी, सिर्फ हीट दी जाएगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल डिवाइस, ठीक है, कंबशन कहीं और हुआ या बर्निंग जो भी हीट प्रोड्यूस जो हुई वो कहीं बाहर होगी, ठीक है, और यहाँ पे इसको हीट एक्सचेंज करा जाएगा। तो यहाँ पे ये कंबशन चैम्बर किस तरीके से काम कर रहा है, एक हीट एक्सचेंजर की तरह काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो गई, फिर टेम्परेचर और इंक्रीज हो गया उस एयर का, वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जो हमारे पास एयर है, ठीक है, वो फिर टर्बाइन के अंदर जाएगी और वहां से एक्सपेंड करेगी, वहां पे एक्सपेंड करेगी और वर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सिमिलर जैसे कि हमने ओपन साइकिल की बात करी थी, यहाँ पे भी हमने से डब्ल्यू टी हमारे को वर्क आउटपुट मिल जाएगा फ्रॉम द टर्बाइन, बट अ पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि ये सेम शाफ्ट पे है, ठीक है, तो यहाँ पे हम वी कैन ज्वाइन लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस कंप्रेसर को चलाने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वर्क इस्तेमाल करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है इस टर्बाइन वर्क में से। तो लेट से जो वर्क इसको चलाने के लिए यूज हो रहा है दैट इज डब्ल्यू सी, तो यहाँ पे भी हमारे पास नेट आउटपुट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी। नाउ द एग्जॉस्ट गैसेस जो होंगी, ठीक है, जो एग्जॉस्ट हमारे पास वर्किंग मीडियम होगा जिसकी एनर्जी, जिसने अपनी हीट एनर्जी पूरी ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है, वो एक्सपेंड होने के बाद फिर एक हीट एक्सचेंजर में से हम उसको पास कराएंगे, ठीक है, जो फिर से एक किसी कूलिंग मीडियम से अपनी हीट को एक्सचेंज करेगा और हीट रिजेक्ट कर देगा और वो वापस फिर से रेडी हो जाएगा कि उसे कंप्रेसर कंप्रेस करके फिर से हम उसको यूटिलाइज कर सकें फॉर द प्रॉपर साइकिल। तो दिस इज अ क्लोज साइकिल बिकॉज इन विच ए हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड, ठीक है, जहाँ पे वो अपनी हीट रिजेक्ट कर रहा है। ओपन साइकिल के अंदर हमने हीट रिजेक्शन करा था एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम एक हीट एक्सचेंजर के थ्रू, ठीक है, हीट को रिजेक्ट करा रहे हैं
विद द कूलिंग मीडियम, ठीक है, और उसके बाद उसे रिपीटेडली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्लोज लूप बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वर्किंग मीडियम का, तो हम इसे बोलते हैं क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके का क्लोज लूप नहीं था, यहाँ पे जितना भी रिजेक्शन हुआ था ओपन साइकिल के अंदर वो एयर से इनलेट फ्रेश चार्ज हो रहा था और एग्जॉस्ट भी एयर एटमोसफेयर में जा रहा था, तो हम इसको बोलते हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ गैस टरबाइन, ओपन साइकिल गैस टरबाइन एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ गैस टरबाइन। तो वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है गैस टरबाइन का वो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास कोई भी एक साइकिल है, चाहे वो ओपन साइकिल हो या हमारे पास क्लोज साइकिल हो, ठीक है, हम उसको डिफाइन करते हैं ऑन से पीवी डायग्राम, हम पहले बनाने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे पीवी डायग्राम पे बना लेते हैं इसको। तो दिस इज, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या पार्ट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो हम यहाँ से लेंगे 1 to 2 इज, ठीक है, 1 to 2, ठीक है। तो हमने ओपन साइकिल में पढ़ा था ये 1 to 2 पे, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, कंप्रेसर लगा हुआ था, ठीक है, जो क्या कर रहा होगा, कंप्रेस कर रहा होगा एयर को, ठीक है ना। अब गैस टरबाइन साइकिल का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसमें एक अजम्पशन हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि जो वर्किंग मीडियम है दैट इज एयर, ठीक है, वो एक बस एयर है, ठीक है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी साइकिल यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल होगी, राइट। तो 1 to 2 इज अ कंप्रेसर, तो हमें प्रेशर को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो दिस इज लेट्स से दिस इज 1 to 2, राइट। तो ये हमारे पास कंप्रेशन हो गया इसका। यहाँ पे एक अजम्पशन और है कि हमारे पास ये जितने भी कंप्रेशन हुआ है यहाँ पे वो क्या होगा, वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, दैट मीन्स ये एक आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या होगा, एक आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 to 2 इज कंप्रेशन, ये हमने कंप्रेशन कर दिया है, ठीक है। नाउ 2 to 3 क्या था, कंबशन चैम्बर था, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगी, तो 2 to 3 इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने हीट एडिशन कर दिया, ठीक है। तो दिस इज योर 2 to 3 इज योर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। नाउ जो हमारे पास 3 to 4 था, ठीक है, वो क्या है, टरबाइन, ठीक है। टरबाइन इज अगेन इट इज अ एक्सपेंशन एंड डेट टू, क्योंकि हमने फिर यहां पे हम एजम्पशन लेंगे कि इट इज अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, यानी कि कोई भी हीट लॉस फ्रॉम द बाउंड्री नहीं हो रही है, तो एक्सपेंशन हमने कराना है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो दिस इज योर फोर्थ पार्ट एंड अल्टीमेटली आ हीट रिजेक्शन टू द सराउंडिंग, ठीक है, या अगर हमारे पास हीट एक्सचेंजर है तो हमने वहां पे हीट एक्सचेंजर कर देंगे, तो हीट एक्सचेंज कर देंगे। तो दिस इज योर क्यू रिजेक्टेड एंड दिस इज योर क्यू सप्लाइड पार्ट, ठीक है। तो ये क्यू सप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें वर्क आउटपुट मिलेगा, वर्क टरबाइन देगी, और दिस इज अ कंप्रेशन प्रोसेस, तो यहाँ पे वर्क कंज्यूम होगा डब्ल्यू सी। तो दिस इज अ पीवी प्लॉट ऑफ अ साइकिल ऑफ दिस, तो ये 4 to 1 क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन, राइट। तो दिस इज योर पीवी डायग्राम ऑफ अ गैस टरबाइन साइकिल। तो ये जो साइकिल होती है ये क्या कहलाती है, ये ब्रेटन साइकिल कहलाती है, क्या कहलाती है, ब्रेटन साइकिल कराती है ये भी एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, बेस्ड ऑन द कि जो हमारे पास वर्किंग मीडियम होगा वो एयर है, ठीक है, और जो प्रोसेसेस हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो प्लॉट दिस ब्रेटन साइकिल ऑन अ टी एस डायग्राम ऑल्सो, तो टी एस डायग्राम पे भी प्लॉट करके देख लेते हैं,
ठीक है, तो टीएस डायग्राम पे हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास दो कांस्टेंट प्रेशर लाइंस हो गई, ठीक है, दीज आर डाइवर्जिंग प्रेशर लाइंस, ठीक है, तो 1 to 2, 1 to 2, दिस इज अ टीएस डायग्राम, ठीक है, तो 1 to 2 हमारे पास क्या था, कंप्रेसर था और रिवर्सिबल एडियाबेटिक था, तो दैट मीन्स इट इज एन आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है, तो आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस एक हमारे पास वर्टिकल लाइन से आ जाएगा, ठीक है, दिस इज 1 to 2। नाउ सेम कांस्टेंट प्रेशर पे क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, हीट एडिशन हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ये टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा इससे, ठीक है, एंड फ्रॉम 3 to 4 अगेन इट इज़ अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक, लेट से कि ये यहाँ तक जा रहा है, तो ये 3 पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आ गया। नाउ 3 to 4 इज अन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हमें नीचे मिल जाएगी, ठीक है, तो दिस इज योर वर्क आउटपुट, ठीक है, तो ये हमारे पास आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस हो गया, तो ये हमारे पास 4 आ गया, एंड नाउ कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन, टेम्परेचर नीचे जाएगा, ठीक है, तो दिस इज योर हीट रिजेक्शन प्रोसेस फ्रॉम 4 to 1, तो दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट दिस साइकिल ऑन अ टीएस डायग्राम ऑल्सो। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 to 2 और 3 और 4, 1, 2 एंड 3, 4, दीज आर आइसेंट्रॉपिक प्रोसेसेस, और जो हमारे पास 2, 3 प्रोसेस, 1, 4 प्रोसेस, 2, 3 एंड 1, 4, दीज आर कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस, ठीक है, हीट रिजेक्शन एंड हीट सप्लाइड। तो हमें पता है कि ये इसकी वर्किंग जो हमारे पास होगी, दैट इज PV2 गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इससे गवर्न होगा पूरा, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द एफिशिएंसी ऑफ दिस ब्रेटन साइकिल, ठीक है, और एफिशिएंसीज के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।